हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोयल जो दूसरों के सामने बहुत ही मॉडर्न बनकर रहा करती थी, असल में एक नंबर की दलिद्र थी। हफ्ते हफ्ते तक वो अपने सर को नहीं धोती थी, जिसके कारण उसके सर में जुओं की खेती हो गई थी और वो हर वक्त अपने सर में हाथ देकर खुजाने के सिवा कोई काम नहीं करती। ऐसे ही एक दिन कॉलेज में बैठी कोयल अपने सर से गिरने वाली जुओं को मार रही थी, तभी ये देखकर एक निया नाम की लड़की कहती है, छी कितनी गंदी हो तुम, कैसे जुए मार रही हो और कॉलेज में यही सब करने आती हो क्या? तेरे सर की मार रही हूँ क्या जो तुझे इतनी घिन आ रही है और ज्यादा प्यार आ रहा है इन पर? तो ले अपने सर पर जगह दे दे इन्हें। छी दूर रहो गंदी कहीं की, और तुम्हारे सर में कितनी जुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे जुओ की खेती करती हो तुम। सही पकड़ा तुमने, करती हूँ मैं खेती। बता कितने किलो चाहिए, तेरे घर भेजूं पन्ने में पैक करके या सर में लेकर जाएगी? बता ना, अच्छा एक सैंपल लेकर देख। अच्छी मोटी ताजी जू है, खाते पीते खेत की खेती है ये। कोयल इतना बोलकर अपनी जू को हाथ में लेकर उस लड़की के पास लेकर जाने लगती है। ये देखकर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है, तो वहीं इस हरकत के लिए कोयल की शिकायत भी जाती है। जिसके बाद शाम को जब कोयल घर आती है तो उसकी माँ माला को कॉलेज में उसकी इस हरकत की खबर लग जाती है और वो घर आते ही कोयल को सुनाते हुए कहती है, हाँ क्या करके आई है आज कॉलेज में? अपनी खेती की नुमाइश? अपना ये जुओ से भरा सर तेरे से खाली नहीं किया जाता, ऊपर से चार लोगों के सामने बैठकर अपनी इस कमी की नुमाइश करने में लगी पड़ी है। तो मैं मेरे सर में जुओ की खेती करूँ या कॉकरोच की, वो होती कौन है मुझे बोलने वाली? चुप कर, और अब से तेरा कॉलेज जाना बंद। वैसे भी तू वहाँ जाकर जुए मारने के अलावा करती ही क्या है? अब जल्दी ही तेरी शादी कर दूंगी, जब सास के ताने खाएगी तब अकल आएगी। माला की बात सुनकर कोयल भुनकते हुए अपनी कमरे में चली जाती है और दरवाजे को जोर से बंद कर लेती है। अब ऐसे ही दिन गुजरते हैं, लेकिन कोयल अपने सर से जुएं कम होने की जगह उसे बढ़ाती है। पर इन सब से परे माला को अपनी जुओं की खेती वाली बेटी के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता मिलता है और एक सुबह लड़के अमन का परिवार उसके घर आता है, जिसमें उसकी माँ सुजाता भी शामिल थी। उनका स्वागत करके माला कोयल के कमरे में जाती है और बोलती है, अरे वाह लड़की तो बहुत संस्कारी है, अभी से ही सर पर पल्लू रख लिया। बहन जी बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को। बस बहन जी ये तो भगवान की कृपा है, आओ कोयल बेटा बैठो यहाँ सबके बीच। कोयल लड़की के पास आकर बैठ जाती है और उसके बैठने के कारण उसके सर की जू फिसल कर अमन के पाँव पर गिर जाती है और ये देखकर कोयल खुद से कहती है, ये क्या, अब क्या करूँ, ये जू अगर इन्होंने देख ली तो मेरा घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। कोयल अपनी जू को छुपाने के लिए एक जोरदार थप्पड़ अमन की जांघ पर मारती है और कहती है, चीटी। सॉरी अमन, वो आपके ऊपर एक चीटी थी, माफ करना। कोई नहीं। बहन जी आपकी बेटी को तो अभी से मेरे बेटे की कितनी फिक्र है, मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है, आप तो बस तारीख निकलवाइए। सुजाता के कहने पर दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ ही समय बाद शादी भी हो जाती है। शादी के बाद पहली रात कोयल सजी धजी कमरे में अमन का इंतजार करती है, तो कुछ देर में जब अमन कमरे में आता है और प्यार से कोयल का घूंघट हटाता है तो कोयल के माथे पर एक जू चल रही थी, जिसे देखकर वो बोलता है, ये आपके माथे पर कुछ चल रहा है, रुको मैं हटाता हूँ। अमन जैसे ही अपना हाथ कोयल के चेहरे पर लेकर जाता है, उससे पहले ही कोयल उसके हाथ पर अपना हाथ मारते हुए कहती है, चीटी चीटी होगी, मैं हटाती हूँ ना। कोयल जल्दी से अपने माथे से जू को हटाकर नीचे फेंक देती है, लेकिन ये सिलसिला खत्म नहीं होता क्योंकि कोयल के सर में जुओं की खेती जो थी, जिसके कारण बार बार उसके माथे पर जू आ ही जाती थी और अपनी इस कमी को छुपाने के लिए कोयल चिढ़ते हुए कहती है, आपके कमरे में कितनी चींटियां हैं, मुझे नहीं सोना यहाँ, आप अकेले सो। अपनी शादी की पहली रात कोयल जानबूझ के झगड़ा करके दूसरे कमरे में जाकर सो जाती है और अगली सुबह वो जल्दी से उठकर अपने कमरे में आ जाती है और बिना नहाए धोए तैयार होकर नीचे आती है और उसने अपने सर पर लंबा सा पल्लू रखा होता है। ये देखकर सुजाता कहती है,
अरे बहू, इस घर में तेरे ससुर नहीं है तो तू अपना पल्लू हटा ले। कोई नहीं, मुझसे क्या पल्ला करना, मैं तो तेरी माँ जैसी हूँ। माँ जी कोई नहीं, आप भी तो बड़ी हैं, आपकी इज्जत करना मेरा फर्ज है। सच में इतनी संस्कारी लड़की कहाँ से मिल गई मेरे बेटे को। अच्छा बहू, ये सब छोड़, आज तेरी पहली रसोई है, तू जाकर कुछ मीठा बना ले। कोयल रसोई में जाती है और अपनी पहली रसोई की तैयारी करने लगती है, लेकिन सर में चल रही जुओं की खेती बार बार उसी सर में खाज करने पर मजबूर करती है। कुछ देर में तो उसके सर में इतनी तेज खाज होती है कि वो खाना बनाना छोड़कर अपने सर को पागलों की तरह खुजाने लगती है, जिससे उसके सर के बाल सारे खराब हो जाते हैं। तभी रसोई में सुजाता आती है। बहू वो मैं, हे भगवान, बहू ये क्या हाल बना रखा है। माजी वो सुजाता कोयल के पास आती है तो देखती है कि उसके आसपास जमीन पर बहुत सारी जुएं चल रही है, और तो और कोयल के शरीर पर भी कुछ जुएं चल रही थी। ये देखकर सुजाता अपने कदमों को पीछे करते हुए कहती है, हाय राम, बहू ये कितना गंद मचाया हुआ है तूने, इतनी सारी जुएं, खेती करती है क्या सर में अपने जुओं की। हाय राम, कितनी सारी जुएं हैं आसपास। माँ जी माफ कर दो, मैं अभी साफ करके कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। पागल है क्या, तेरे हाथों का खाकर अब मुझे परलोक नहीं सिधारना, और ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई कि तेरे सर में जुओं की खेती है, अभी अमन को बताती हूँ। सुजाता हॉल में जाकर अमन को आवाज लगाने लगती है, तभी उसके पीछे कोयल भी रसोई से बाहर आती है। तो उसी वक्त सुजाता की पड़ोसन माया भी आती है, तो नई बहू को ऐसे उजड़े बालों के साथ देखकर कहती है, हाय राम सुजाता, ये कौन है। अरे माया, ये मेरी बहू है, जुओं की खेती करने वाली। देख तो कितना बड़ा धोखा दिया है इन लोगों ने, लड़की ने सर में जुओं का अलग संसार बना रखा है, इतनी गंदी लड़की को मैं अपने घर में ना रखूं। माँ जी मुझे माफ कर दो, मैं सच में नहीं जानती थी कि इन जुओं के कारण मेरा घर टूट सकता है, वरना मैं साफ सफाई से रहना शुरू कर देती। प्लीज माँ जी मुझे माफ कर दो ना। बिल्कुल भी नहीं, अभी अमन को आने दे, बताती हूँ उसको तेरी करतूत। इतने में ही अमन हॉल में आता है और अपनी माँ की सारी बातें सुनकर बोलता है, माँ मुझे पहले से पता था, लेकिन मैं कोयल जी से प्यार करता हूँ, आप उनको इस छोटी सी वजह के चलते घर से मत निकालो। तो तू क्या चाहता है, अब इस घर में जुओ की खेती शुरू कर दे, तू भी पाल, मैं भी कुछ पाल लेती हूँ। नहीं सुजाता, अरे ये सब करने की जगह अपनी बहू के जुए खत्म करवा, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा घरेलू उपाय है जिससे इसके सर की सारे जुए कुछ ही समय में खत्म हो जाएगी। बस बहू तुझे उसके बाद साफ सफाई रखनी पड़ेगी। मुझे मंजूर है आंटी, मैं सब करूँगी, बस माँ जी को कहिए मुझे घर से ना निकाले। कोयल को घर से ना निकालने के लिए माया और अमन भी सुजाता से प्रार्थना करते हैं, जिसके बाद सुजाता अपनी जुओं की खेती करने वाली बहू को एक और मौका देती है, और कोयल उस मौके का इस्तेमाल करके अपने सर की सारी जुएं खत्म कर लेती है, साथ ही साफ सफाई से रहना भी शुरू करती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।